गुलमर्ग में चल रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शानदार नजारा देखने को मिल रहे हैं। प्राकृतिक बर्फ से बनी रिंग पर खेल के कुछ अद्भुत नजारे देखने को मिले। बर्फ पर खिलाड़ियों द्वारा हैरतअंगेज खेल दिखाए जा रहे हैं। पेश है गुलमर्ग से हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। तस्वीरों में ये मैच किसी सीमेंट से बने स्टेडियम पर नहीं हो रहे बल्कि जमी हुई कुदरती बर्फ पर खेले जा रहे हैं। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स के तहत जारी मुकाबलों की तस्वीर है। बर्फ पर खिलाड़ियों की तरफ से हैरान कुन खेल का मुजाहरा किया जा रहा है। खिलाड़ियों के पैरों में लगे तलवार के तेज धार के मानने वाले स्केट पर खड़े होकर हाथों में हॉकी लिए हुए और अपने जिस्म के आजा को कंट्रोल में रखकर बेहतरीन और हैरान कुन खेल का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। गुलमर्ग के आइस रिंग में जमी हुई बर्फ पर पैर से लेकर सर तक हर खिलाड़ी के हर आजा की हरकत ये हौसला देती है कि किसी भी खेल में बुलंदियों तक पहुंचने में कुछ भी मुमकिन है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए खिलाड़ियों और टीमों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हौसला अफजा मुजाहरा किया। इस दौरान काफी तादाद में शायकीन भी इन मुकाबलों को देखने आए थे। तीसरी बार आ रहा हूँ मैं तो, बाकी ये थर्ड एडिशन चल रहा है। पहले भी इधर चलता था गुलमर्ग में। इंडिया की तरफ से बड़े अपॉर्चुनिटी दिया है सभी खिलाड़ियों को, बड़े इधर आके हमको पूरे इंडियन इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर से मिल रहा है, बड़ी बड़ी खुशी हो रहा है, तो इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहे थे। हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें यहाँ इंटरनेशनल कोचेस है, जो सिल्वर मेडलिस्ट है पैन कॉन्टिनेंटल में मिस्टर पीएन राजू एंड मिस्टर किशन, ये यूएस बेस्ड है, 8 साल से कर्लिंग खेल रहे हैं। ये हमें यूएस से आए हैं, ये यूएस में सेटल रहे एंटरप्रेन्योर्स है वहाँ पे, तो यहाँ आके हमें सिखा रहे हैं। 5 दिन का कैंप किया हमने यहाँ पे, बहुत ज्यादा खुशी हुई है, नो डाउट। मरकजी वजीर मुमलकत बराए खेल, यूथ अफेयर्स और उमूर दाखिला रिशद परमानिक ने खिलाड़ियों के जोश और जज्बे की तारीफ की। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार के लिए तरजीहात में शामिल है और यहाँ के बुनियादी ढांचे को मजीद फरोग दिया जाएगा। भारत सरकार की खेल मंत्रालय जम्मू कश्मीर के खेल क्षेत्र की जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत ही प्रायोरिटी बेस में काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को सबसे जो है प्रायोरिटी में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो यूथ है उसमें बहुत ही खेल कूद में इन लोगों का बहुत ही इंटरेस्ट है और लोगों का भी यहाँ पर बहुत जो है स्पोर्ट्स में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो इसलिए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और साल भर में जो है बहुत सारा प्रतिस्पर्धा, बहुत सारा कंपटीशन हर एक जगह में हो रहा है। मैं पुलवामा में वहां पर गया, एक वहां पर भी मैच हो रहे थे, उस समय मैं गया, क्रिकेट का मैच हो रहे थे, तो उसमें भी मैं जाके देखा कि लगभग जो है कि 10,000 के करीब जो लोग वहां पर सिर्फ मैच देखने के लिए आए, तो इससे पता चलता है कि यूटीज का लोग, कश्मीर का लोगों को खेल के प्रति कितना आग्रह होता है। अब देखना है कि गुलमर्ग में मुनक्किदा खेलो इंडिया में कौन सी रियासत जीत की बाजी मारेगी और गुलमर्ग में अपनी जीत का जश्न और झंडा लहराएगी। ये देखने वाली बात होगी और आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट जो है हॉकी का ये चल रहा है और इसमें बड़े जोश और खरोश के साथ मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के टीमें जो हैं वो यहाँ आइस रिंक पे मौजूद हैं, उनके मुकाबले हो रहे हैं और इस तरह अब देखना है कि इन मुकाबलों में किस तरह से ये खिलाड़ी अपनी जीत का मुजाहरा करेंगे और अपनी जीत के दावादार बने। फेरोजवानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज 18, गुलमर्ग। गुलमर्ग में कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। एक बार फिर कश्मीर के लोगों ने यह दिखाया कि पर्यटक बेंगलुरु से, दरअसल बेंगलुरु से कुछ पर्यटक गुलमर्ग आए हैं, इसमें से एक महिला पर्यटक का 1.5 लाख रुपए का एप्पल फोन बर्फ में कहीं खो गया। महिला पर्यटक निराश होकर होटल पहुंची और इसकी जानकारी होटल मैनेजर को दी। होटल मैनेजर ने तुरंत 2 युवकों को मोबाइल फोन तलाशने के लिए भेजा और आखिरकार
एक कार चालक ने महिला पर्यटक का फोन वापस कर दिया, जिस पर इन पर्यटकों ने हाथों में तख्तियों के साथ कश्मीरियत और इंसानियत की तारीफ की। न्यूज 18 में आपका खैर मकदम है, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। कश्मीर से मुतल्लिक आपने हर बार कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई है और सुनी है कि कश्मीर में इंसानियत और कश्मीरियत की मिसालें देखने को मिली है, और तारीख के पन्नों में भी आपने सुना होगा कि कश्मीर में कश्मीरियत जो है उसकी मिसालें हर बार दी जाती हैं। और आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बेंगलोर से ये फैमिली है, ये गुलमर्ग में है, इस वक्त रॉयल कैसल में है, और इनके हाथों में वेलकम टू कश्मीर, कश्मीर द होम ऑफ हॉस्पिटैलिटी और थैंक यू कश्मीर लिखा हुआ है। और इन्हीं की जबानी से हम सुनेंगे कि क्यों उन्होंने हाथ में ये पेपर उठाए हैं और यहां आज ये इस होटल में जमा हुए हैं। बताइए क्यों आज इस तरह जमा हुए हैं, क्यों हाथ में ये उठाए हैं ये पेपर्स, उस पे वेलकम टू कश्मीर और ये चीजें सारी लिखा हुआ है, बताइए अपनी जबानी बताइए। एक्चुअली मेरा मोबाइल गुम गया था, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, लेकिन जो रॉयल कैस्टल में जहाँ पे हम स्टे किए हैं, वहाँ के मैनेजर, वहाँ के स्टाफ इतना कोऑपरेट किया कि मेरे हस्बैंड जब इतने टेंशन में थे, ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने उनके दो बंदों को साथ में भेज के ढूंढने के लिए सपोर्ट किया। उनके वजह से ही आज मेरा मोबाइल मेरे साथ है, क्योंकि यही मोबाइल था, यही जी यही मोबाइल है, क्योंकि कश्मीर में किसी भी बात की डर नहीं है और हर एक बंदा इतना कोऑपरेटिव है, किसी भी चीज की डरने की बात नहीं है, हर जगह पे वो इतना कोऑपरेट करते हैं। जहाँ पे हम गुलमर्ग में जब गेम्स खेल रहे थे और हम जब केबल कार में गए थे, हर जगह पे हमको इतना कोऑपरेट किया तो कि मुझे आप ये बताइए, जब आपका एक मोबाइल कहाँ पे गुम हुआ है और फिर किन लोगों ने आपको ये वहां से इन्हें उठा के वापस किया है? हम चिल्ड्रंस पार्क गए हुए थे, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा से रील वगैरह शूट हुआ था। उसके बाद जब से मैं गाड़ी में बैठी, तब मैंने सीट पे रखा था, वहाँ पे वो जब हम महाराजा पैलेस गए थे, वहाँ पे मेरा मोबाइल शायद सीट के पीछे गिर गया था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था उस वक्त। जब हम होटल वापस आए, तब मुझे ध्यान गया कि मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। बहुत टेंशन हुआ, बहुत कुछ हम बहुत जगह पे हम ढूंढना शुरू किया, लेकिन मैनेजर हर लोग बोल रहे थे कि किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा। और जो बंदा हमको लेके गया था गाड़ी पे, उस पे मुझे भी बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि यहाँ के हर लोग बहुत भरोसेमंद है। मैं कहती हूँ कश्मीर के लोगों पे आप कभी भी कहीं पे भी आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से वो कोऑपरेट करते हैं। फोटोशूट करना हो, साथ में कुछ भी दिखाने के लेके जाना हो, और यहाँ पे बर्फ रहता है, स्नो रहता है, उस वजह से बहुत ज्यादा हमको स्किड होता है। इतना अच्छा वो लोग ग्रिप देते हैं, सपोर्ट देते हैं, इतने अच्छे से हमको लेके जाते हैं, लेकर आते हैं, टू गुड। तो उस वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा तसल्ली था कि मुझे मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा डर भी था कि अगर आइस में घूम जाएगा तो मुश्किल है करके। गांधरबल में दो दिवसीय शालबोग पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया। इस कॉस्ट कश्मीर और कश्मीर बर्ड वॉच के संयुक्त रूप से वन्यजीवीय संरक्षण विभाग जम्मू कश्मीर और जिला प्रशासन गांधरबल द्वारा आयोजित दो दिवसीय शालबोग पक्षी उत्सव का उद्घाटन उपायुक्त गांधरबल श्याम बीर ने किया। श्याम बीर ने कहा यह अपनी तरह का पहला आयोजन है। इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के आयोजनों को निरंतर आधार पर आयोजित करने की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में कश्मीर वर्ड वॉच के प्रतिभागी, डिग्री कॉलेज गांधरबल के छात्रों, गांधरबल जिला के जिलाधिकारी, एनजीओ ने समारोह में भाग लिया। शालबुक में अभी हमारे पास लगभग 1.5 लाख के आसपास मेहमान हैं, जिनको कि कल आज का हमारा इनॉग्रल फंक्शन था यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिनी सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में, और कल वहाँ पर हमारे शालबुक में ऑन फील्ड वहाँ पर बर्ड वॉचिंग होगी, लोकल्स के साथ में बात होगी, वहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्थाएँ करी जाएंगी, और ये सारी चीज़ें कल वहाँ पर हम लोग फील्ड पर देखेंगे। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी वाइल्ड लाइफ की टीम का कि उन्होंने इस शालबुक को जो है इस बार पहली बार 3 साल के बाद वहाँ पर पानी भरा गया, और इसमें हमारे 1.5 लाख मेहमान आज की डेट में हमारे यहाँ पर हैं। अगली बार से हम लोग कोशिश रहेगी कि अगले सालों से आने वाले सालों में ये अच्छे से फेस्टिवल और अच्छे से मनाएं। सेना मंडेर में सशस्त्र बलों में अग्निवीरों के रूप में शामिल होने के लिए युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रही है। इनमें से 4 युवा ट्रेनिंग का अग्निवीर योजना के तहत चयन हुआ है।
भारतीय सेना के जवानों ने इनकी प्रशंसा की और उनसे सशस्त्र बलों और देश की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया। कोच का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें इस ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग करते करते हम आज इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो गए, और इस फौज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आज हम मैं इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो गया हूँ और मुझे गोपालपुर भेजा जाएगा, और उसके बाद मेरा भी यही लक था कि ज़िंदगी में मैंने एक बार आर्मी के अंदर भर्ती होना है। बहुत शौक था इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने का, मेरे अंदर एक जज्बा था और उसको आज मेरे भगवान ने पूरा कर दिया। तो मैं इस फौज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दिल से, और उसके बाद जब मैं किसी इस पे लक्ष्य पे पहुँचूँगा तो मैं भी ऐसे ट्रेनिंग दूंगा, और ऐसे मैं सब अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो इधर आएँ और अपने अपने ट्रेनिंग जारी रखें और अपने देश की सेवा करें। ये पहाड़ी इलाके में रहने वाले हैं, सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ मैं आर्मी का, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया और एक दो में हमें यहाँ प्रैक्टिस की, फिर उन्होंने हमको पेपर के लिए भी तैयार किया और हम आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं। आज मैंने आर्मी ज्वाइन कर दी है और मैं यहाँ आता था ट्रेनिंग के लिए, और इन्होंने मुझे दो महीने ट्रेनिंग दी है और आज मैंने आर्मी ज्वाइन कर दी है। तो मेरा सेंटर पड़ा है श्रीनगर जैकलाई में, तो मैं इस आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर लाया है। थैंक यू। मेरा नाम शरूफ अलिया और मैं अब अग्निवीर में सेलेक्ट हो चुका, और मैं जो दिग्गज वालों ने इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें रनिंग की प्रैक्टिस दी और आर्मी के बारे में बताया, और मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी मेहनत करो ताकि आप भी, उन्होंने हमें रनिंग का बताया, बीम वगैरह करवाया और बहुत कुछ बताया मेडिकल के बारे में क्या होता है क्या नहीं, वो सब बताया, उनकी वजह से हम अग्निवीर में सेलेक्ट हुए, और मैं यही कहता हूँ कि आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया दुनिया में आज जाऊँ अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भेड़ पालन विभाग द्वारा बांडीपुरा में प्रधानमंत्री फर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम की औपचारिकता को लेकर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में कृषि क्षेत्र से संबंधित विभाग के अलावा पोल्ट्री क्षेत्र से जुड़े किसानों ने भाग लिया। वर्कशॉप के दौरान किसानों को पोल्ट्री क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें एक टेक्निकल सपोर्ट भी रहता है एक एंटरप्रेन्योर को, एक फार्मर को क्रेडिट का जो उसकी क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग पोर्शन भी मिलता है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलता है। ये एक ऑल इंक्लूसिव स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपया का बजट रखा है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2025 तक चलेगी ये स्कीम, तो ये हर किसी डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम में ये हम बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और प्रोसेसिंग यूनिट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है और जो नए प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो भी डाल रहे हैं। तुलैल के नंबरदारों और चौकीदारों का कहना है कि 2019 से उन्हें मासिक भुगतान नहीं किया गया है जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने डीसी बांडीपुरा से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। मैं डीसी साहब से अपील कर रहा हूं, तिलेल के नंबरदार चौकीदार जितने भी है 2019 से 2022 तक तनख्वाह से महरूम है, ड्यूटी देने के बावजूद भी हमारा तनख्वाह किस लिए बंद है, क्यों बंद है, क्या वजह है, वो डीसी साहब से मैं पुरजोर अपील करता हूं कि हम भी बचे वाले हैं, हमारा तनख्वाह वाहगुजार किया जाए। जम्मू कश्मीर महिला हेल्पलाइन और समाज कल्याण विभाग के पोषण प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को मुश्किल से निपटने, डिप्रेशन और मानसिक तनाव कम करने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सोनावरी में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें शिक्षित करना था। कश्मीर के बांडीपोरा में जो जागरूकता जारी है, जो अवेयरनेस और जो काउंसलिंग जारी है, आज हम यहाँ पोषण प्रोजेक्ट संभल के शिलवत एरिया में थे, और यहाँ पोषण प्रोजेक्ट के सभी वर्करों ने और सुपरवाइजर मैडम और डीपीओ साहब के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वसादत से हमें यही आवाज़ दे दी कि सोसाइटी इज़ नॉट अ सोल्यूशन, सहना नहीं है, बोलना सीखो, ब्रेक योर साइलेंस, रेज योर वॉइस, और हमने IEC भी यहाँ पे आज डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये जो सिलसिला ये जारी वो सारी रहेगा।
बांडीपुरा में तुलैल के हुस्न गांव नामक क्षेत्र में बर्फबारी के कारण एक रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इलाके में हाल के दिनों में हुई भारी बर्फबारी के कारण सादिक लोन नामक व्यक्ति के मकान की छत गिर गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देख सकते हैं इसके बर्फबारी हुई जिसकी वजह से मैं यहाँ नहीं निकल सका, क्योंकि यहाँ ऊपर से भी अनाज का खतरा था, इसीलिए मैं नहीं निकल पाया। आज सुबह में निकल गया तो बर्फ हटाने के लिए, यहाँ देखो क्या हालत हो गई है, पूरा डैमेज हो गया है। मेरा राशन परिवार सब नीचे है, तो मैं इसीलिए डर के मारे यहाँ सुबह सवेरे निकल गया। मौसम साफ था तो देखा तो पूरा डैमेज हो गया है। अभी तक फिलहाल पता नहीं है ऊपर नीचे छत के नीचे क्या क्या नुकसान हो गया है, वो अभी कन्फर्म पूरा नहीं है। तो फिलहाल मैंने यहाँ ऊपर से ही देखा तो ये हुआ है, पूरा छत डैमेज है। बर्फ और नीचे ही उतरा होगा बर्फ? हाँ, नीचे भी उतर गया है छत के नीचे, ऊपर राशन वगैरह थी मेरी, नीचे भी उतर गई है बर्फ, ऊपर से टीन जो है वो डैमेज हो गई, नीचे उतर गई है बर्फ। विंटर वेकेशन के दौरान लद्दाख कल्चर अकादमी ले विशेष बच्चों की वर्कशॉप का आयोजन करती है। इस सर्दी के चौथी और अंतिम वर्कशॉप कल शुरू हुई, जिसमें तीसरी से पांचवी कक्षा के 40 बच्चों ने भाग लिया। वर्कशॉप के दौरान उन्हें सिंगिंग, डांसिंग, कहानी सुनाना और मेडिटेशन करना सिखाया जाएगा। सेतन अंगचोक और कलाकार देचब यांगडोल वर्कशॉप का संचालन करेंगे। एपेक्स बाड़ी लेह के अध्यक्ष थुपस्थान छेवांग ने जंतर मंतर दिल्ली से एक वीडियो संदेश में दिल्ली में मौजूद सभी लद्दाखियों से 15 फरवरी को जंतर मंतर पर एपेक्स बॉडी और केडीए के धरने में शामिल होने और समर्थन करने का आग्रह किया है। एपेक्स बॉडी और केडीए ने चार सूत्री मांग को लेकर 15 फरवरी को जंतर मंतर पर धरना देने का ऐलान किया है। सीमेंट प्लांट विवाद पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि जल्द सीमेंट प्लांट का विवाद सुलझ सकता है। आपको बता दें कि ट्रक ऑपरेटर से माल भाड़े को लेकर विवाद के चलते 15 दिसंबर से ही बिलासपुर के बारमाना में एसीसी सीमेंट प्लांट और सोलन के दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद है, जिसे करीब 15,000 लोगों की रोजी प्रभावित हुई है। सरकार की तरफ से कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच कई राउंड की बातचीत बेनतीजा हो चुकी है। सीएम ने कहा एचपीएसएससी पेपर लीक केस की जांच रिपोर्ट एक दो दिन में आ जाएगी, जिसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि सीएम करीब 5 दिन बाद दिल्ली से गोवा से लौटे हैं। मुलाकात करूंगा और मैं चाहूंगा कि आज कल में ये विवाद सुलझा लिया जाए, और मुझे आशा ही नहीं, मुझे अपने उद्योग मंत्री पर भी पूरा विश्वास है कि वो आज मीटिंग करेंगे और मैं भी उनसे मून मीटिंग करूंगा और कल हम आज कल में ये विवाद सुलझा लेंगे। जिनके पेपर नींद ली रिजल्ट नहीं निकले हैं उनके पेपर भी लीक हुए हैं। अब बेचारे कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि हम सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट कोई और हो गया, तो उस स्थिति को हम दृष्टिकोण को सबको देख रहे हैं और जो आने वाले जो भी परिस्थितियां होगी उसके आधार पर हम फैसला करेंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से बात की है, मैंने टूरिज्म मिनिस्टर से मुलाकात की, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की, उन और हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री है उन योजनाओं के बारे से संबंध में जो पुरुषोत्तम रूपाला जी उनसे बात की, सभी मंत्रियों से मिला मैं और उन्होंने कहा कि आप योजना लाएं तो हम उस योजनाओं को लाने की अब कोशिश करेंगे। आरके सिंह पावर मिनिस्टर उनसे बात की, हमने कहा कि हमारा विजन है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाया जाए 2025 तक। शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि 16 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग में भर्तियों के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। शिक्षा विभाग में करीब 12,000 पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर चर्चा चल रही है, कैबिनेट की बैठक में भी इस पर प्रस्ताव पेश होगा। वहीं शिक्षा मंत्री यह भी कहा कि जिन संस्थानों को डी नोटिफाई किया गया है उन पर भी गुण दोष के आधार पर फैसला होगा।
दो तीन महत्वपूर्ण बातें शिक्षा विभाग से संबंधित, इस पर हम निश्चित रूप से कैबिनेट में चर्चा करेंगे। इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट मांगी गई है और जहाँ तक मुझे बताया गया है लगभग रिपोर्ट तैयार भी है, और हमारा प्रयास रहेगा कि गुण दोष के आधार पर जहाँ स्कूलों की आवश्यकता है वहाँ स्कूल खोलने चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये कि आज के समय में विशेषकर अगर शिक्षा विभाग की बात करें, आज हमें जो ऑलरेडी आपके खुले हुए शिक्षण संस्थान हैं उनको सुदृढ़, उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, और जो हमारा, मैं समझता हूँ, जो आपके एजुकेशन सिस्टम में प्रदेश में उसको और बेहतर हो सके, जो आपके पद रिक्त पड़े हैं वो भरे जाए, ये सरकार की पहली प्राथमिकता। और गुण दोष के आधार पर जहाँ जस्टिफिकेशन बनेगी तो वो स्कूल खुले, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं। स्वास्थ्य और श्रम एवं रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल्य ने दिल्ली में केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुलाकात में हिमाचल में रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा हुई। शांडिल्य ने कहा कि राज्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र का विकास कर बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकती है, जिसे लेकर हुई बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धनीराम शांडिल्य मौजूद हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है हिमाचल के, श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं। राजधानी दिल्ली में वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। हिमाचल के संदर्भ में क्या बातचीत हुई है सर? हिमाचल में युवा किस तरीके से रोजगार प्राप्त कर सकता है, किस तरीके से हिमाचल को केंद्र का सहयोग मिलेगा, क्या बातचीत हुई? बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी के साथ, और उन्होंने बड़े ध्यान से बहुत सारी बातें सुनी और मुझे आश्वस्त किया कि जो हमारी श्रम और रोज़गार की या जो युवाओं की खासकर जो बेरोजगारी का प्रश्न है उसे हम किस प्रकार से एड्रेस कर सकते हैं। हम कम से कम 680 करोड़ का धन ऐसा रखेंगे जिसमें अपने युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार, जितनी उसकी शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार उनको बिना ब्याज का ऋण दें, ताकि वो छोटे छोटे अपने कारोबार आरम्भ कर सकें, जैसे एक गेस्ट हाउस ही आप समझते हैं, और इन जो ये सुंदरता था उसको दिखाने के लिए उनको छोटे छोटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी रखे बना दिए जाएं, जिससे उनको हर प्रकार के क्षेत्र में अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। इस तरीके से हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री अब बंद हो गई, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर के साथ समन्वय नहीं बन रहा है, जो लोग वहाँ पर रोजगार करते थे उनका रोजगार बंद है, कैसे सरकार इसका हल निकालेगी? ट्रांसपोर्टर को भी मनाना, उनको खुश रखना ज़रूरी है, और वहीं इनका रोज़गार इनसे ना छीने, इनका वेतन भी इनको मिलते रहे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी हाल ही में इसमें बहुत से गठन किए गए हैं और बहुत लोगों ने इसमें साथ दिया है। मैं जानता हूं कि उनका, खासकर ट्रक ऑपरेटर्स की ये बहुत बड़ी समस्या है, परंतु इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है सरकार ने। इनमें जितनी भी ये समस्याएं थी उनका हल निकालने का पूरा तरीका निकाल दिया है, और शीघ्र ही आप देखेंगे कि समस्या का निपटारा भी हो रहा है और इनको अपने अपने काम करने में भी सुविधा मिल जाएगी। बिल्कुल, केंद्र सहयोग कर रहा है, मगर क्या लगता है आपको, 75,000 करोड़ का जो कर्जा है हिमाचल पर, वो कर्जा आप मुक्त हो पाएंगे? इस सरकार के लिए एक चुनौती है। ठीक आपने बात कही, ये एक चुनौतीपूर्ण समस्या है, नो डाउट, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अपने ही संसाधनों को अच्छे प्रकार से आगे ले जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना। अभी की सरकार में हम इसी ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और मैं जानता हूं कि जो हमारे पास इस वक्त कर्जे की जो आपने बात कही वो है, उसको धीरे धीरे कर्जा मुक्त करने का तरीका भी यही है कि हम अपने संसाधनों को आगे बढ़ाएँ और अपने युवाओं को रोज़गार के साधन स्वयं बनाएँ। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो ये थे धनीराम शांडिल्य, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।